नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गलत फहमी के शिकार हुए हुए पितरों को कैसे हम अपने अनुकूल करें। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि हमारे मरे हुए परिजन जो अब हमारे पितर बन गए हैं, कभी ना कभी जब वो जीवित थे तब हमारे उनसे संबंध बिगड़ गए थे, किसी भी वजह से हो सकता है। और ये संबंध जो बिगड़े थे उसमें कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई गलत फहमी थी। हमारी तरफ से हम लोग सही थे, हमने कुछ गलत नहीं किया, पर उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलत किया या जो भी इशू था उससे रिलेटेड। हम उनको समझाने में नाकाम रहे, या फिर यूं कह लीजिए कि समझा नहीं पाए, वक्त नहीं मिला, या हम कहीं और थे, वो कहीं और थे, या एक छत के नीचे रहते हुए भी हमारे ओपिनियंस अलग थे, सोच अलग थी, आइडियल्स अलग थे, एंड इस वजह से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई जो बैठनी चाहिए। और इससे पहले हम उनको अपने सपोर्ट में करते या उन्हें समझाते, वो इस दुनिया से चले गए। अब ऐसी आत्माएं जो ऑलरेडी किसी गलत फहमी के शिकार हों और मरने से पहले जो भी साल रहे हैं उसमें आपके अगेंस्ट रही हों, किसी ना किसी इशू को लेके जब वो जीवित थी, अब मतलब शारीरिक रूप में जीवित थी, तब ऐसे लोग जब पितर बन जाते हैं तो उस गलत फहमी के चलते हमारा कोई भी तरीके से फ़ायदा नहीं करते, बल्कि नुकसान ही करते हैं। जहाँ बुरे पितरों की श्रेणी आती है वहाँ उनमें ये शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो वो गलत फहमी है उसके मायने भौतिक दुनिया में भले ही एक स्तर तक हों, पर जब पारलौकिक दुनिया की बात होती है तो उसके मीनिंग और भी डीपर होते हैं। सपोज़ आपको किसी को ये गलत फहमी है कि भाई आपने किसी के साथ गलत संबंध बनाए, या कुछ गलत किया, या आपने कोई चोरी करी, या कुछ भी ऐसा किया, और आपके जो भी पितर हैं, जो भी आपके माँ बाप थे या दादा दादी थे, जो भी थे, बहुत आइडियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, सात्विक थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, और आपके करे हुए गलत काम को वो नहीं बर्दाश्त कर पाए और आपके से बात करनी बंद कर दी, पर इन रियलिटी आपने वो गलत काम नहीं किया था, आपको फंसाया गया या ऐसा कुछ। ऐसे में जब वो मर के उनकी आत्मा विचरण भी करेगी आपके घर में, तो भी वो आपके अंगेंस्ट ही रहेगी, क्योंकि उनके दिमाग में नोशन रहेगा। हालांकि जब हमारे पितर हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारी डेली रूटीन हमें देखते हैं, तो कई दफ़ा हम ये सच्चाई भी उनके आगे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम गलत नहीं थे, हम हर जगह से सही थे, हम ऐसे हालात गलत थे जिसमें हम फंस गए, जिससे गलत फहमी पैदा हुई। अभी करना क्या है आपने, कि अगर ये आपको श्योर है कि आपके पितर आपके साथ हैं, आपको वो ड्रीम्स में दिखाई देते हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं, नाराज़ दिखाई देते हैं, या फिर उनके मरने के बाद आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से परेशानियाँ बढ़ी हैं, कलेश बढ़ा है, काम धंधा रुक गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी भी आ रही होती है, क्योंकि वो नाराज़गी अब और भी ज़्यादा बड़े स्तर पे पहुंच जाती है। ऐसे में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको मनाना, उनको समझाना। अब उनके मरने के बाद उनको कैसे समझाया जाए, पितर रूप में भी जो आत्माएं विचरण करती हैं, हमारे घर के विचरण करते हैं, तो हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारे को हर तरीके से हमें शील्ड करते हैं, बट यहाँ शील्ड करने की जगह खाली एक ऑब्जर्वेंट का काम रह जाता है, खाली देखने का, एक मूक दर्शक का, क्योंकि उनकी और हमारी आइडल्स नहीं मिलते थे, तो अब इस घड़ी में वो सोचते हैं कि इनकी क्या हेल्प करनी, इनको बस देखो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, तो हमें वो नहीं होने देना, हमें उनसे क्षमा याचना करनी है। सपोज़ उनकी फ़ोटो है आपके पास, तो नियम बनाइए कि हर गुरुवार को उनके आगे घी का दीपक जलाइए, थोड़ी सी जो है मिठाई उनके आगे रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए, उनसे अपनी बात कहिए कि ये बात थी और मुझसे गलती हो गई, या अगर आपसे एक्चुअल में गलती हुई हो तो माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, और गलती नहीं हुई हो तो पूरी अपना व्यक्तित्व सच्चाई बता दीजिए कि ये बात थी, और उसके बाद उस मिठाई को बाहर ले जाके जानवरों को खिला दीजिए, कुत्ते को डाल दीजिए या मुंडेर पर रख दीजिए ताकि कोई चिड़िया वगैरह खा ले। आप उसकी जगह पतासा भी ले सकते हैं, वाइट पतासा, आपको कोई ज़्यादा मिठाई लानी, खाली एक डली रखनी है या फिर वाइट पतासा भी एक रखना है, उनसे क्षमा याचना करके बाहर चींटियों को वो पतासा डाल देना है, एंड चाहे आप चिड़ियों को डालिए, चाहे डॉग को डालिए, चाहे चींटियों को डालिए, कोई आपने इसमें उतारा नहीं करना, सिंपली बस उनकी फ़ोटो के आगे वो पतासा रख दिया, घी का दीपक जला दिया, गुरुवार को क्षमा मांग ली, अपनी सारी बात कह दी, और वहाँ पे से वो पतासा उठा के बाहर चींटियों को डाल दिया। तो ये प्रक्रिया आप हर थर्सडे कीजिए, एंड आप चाहें तो इस प्रक्रिया को हफ्ते में दो बारी तीन बारी भी दोहरा सकते हैं, एंड
ये मेक श्योर कीजिए कि जो भी गलतियां आपने की हैं उन गलतियों को अब ना दोहराएं। ये मत सोचिए कि वो जीवित नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ढोंग करोगे माफ़ी मांगने का, या फिर आप सोचोगे कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हो और बदले में आप वही काम करते रहोगे जिस काम के वो अंगेज थे, तो किसी भी तरीके से आपको उनकी कृपा नहीं मिलेगी, बल्कि वो और ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे। अगर उनका शरीर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको देख नहीं सकते, आपको जान नहीं सकते, आप क्या कर रहे हो वो समझ नहीं सकते। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे आर विद यू, वो आपके साथ है। तो उनको अगर आप अपने अनुकूल कर लेंगे तो बहुत हद तक आपको फ़ायदे मिलेंगे। हर तरीके से आपके जीवन में सक्सेस आएगी। ऊपरी बाधाएं, चाहे कितने ही परेशानियां हों जीवन में, अलाएं बलाएं हों, सब कष्ट उतर जाएंगे। हालांकि आप चाहें तो उनको ईश्वर के पास जाने का रास्ता भी दिखा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अब पूरी तरीके से आपकी जगह ईश्वर की तरफ अपनी लौ लगा दें। तो आप सिंपली आप मेरी धुनी लीजिए, कोई सी भी धुनी लीजिए, उसको जलाइए घर में, और जलाते हुए प्रार्थना कीजिए अपने पितरों का नाम लेके, मैं फलाना फलाना अपने पितर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अब ईश्वर की पनाह में जाएँ, ईश्वर की शरण में जाएँ। ये भी आप रोज़ एक बारी कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। उसके अलावा एक बात और कहूँगा कि जब भी आप आत्मचिंतन करते हैं, बैठते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमेशा अच्छे बात की कीजिए। कभी भी किसी पितर को गाली मत दीजिए, कभी भी उनकी बुराई मत कीजिए, और कभी भी गड़े मुर्दे मत उठा रहिए। जो भी पिछली बारी हुआ था, जो भी सब हुआ था, उनको बार बार अपने घर में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में मत गाइए। सपोज़ आपके फादर मर गए या मदर मर गई, उनकी आप बुराई कर रहे हो अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, एंड हो सकता है वो वहीं बैठे सुन रहे हो, तो उसके बाद आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, वो आपके सपोर्ट में नहीं होंगे। एंड एक बात और कहूँगा कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। जिन गलतियों की वजह से वो आपके अंगेंस्ट थे, उन गलतियों को मत दोहराइए। एंड हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर वो आपके साथ हो जाएंगे तो आप बहुत हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। बाकी मैं अब जल्द ही पितर शांति धुनी एक निकालने वाला हूँ, जो पितरों को प्लीज़ करने के लिए ही होगी धुनी, एंड उससे भी आपको बहुत फ़ायदे होंगे। हालांकि वो मैंने उसकी ऑफिशियल वीडियो नहीं बनाई है, पर वो जो है आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। एंड ये बात का ध्यान रखिए कि पितर वो हैं जो हमेशा कभी ना कभी हमारे सर पे जीवित रूप में भी हाथ रखते थे, और अब नहीं है तो भी हमारे सर पे हाथ रखे हुए हैं, और उनका हाथ जब तक अच्छे में रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा। अब ऐसी भी बात आती है कि आपके समझाने के बावजूद भी पितर नहीं समझना चाहते, गलतफहमी इस हद तक बढ़ चुकी है, या फिर यूँ कह लीजिए उनका उनका माइंडसेट ही ऐसा रहा है जीवन काल में कि वो आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझना चाहते। आप अपनी जगह सही हो, पर उनकी चाहे रूढ़िवादी सोच है या एनी सोच है जिससे आपकी सोच मेल नहीं खाती, इस वजह से हर सिचुएशन में आप उनके अंगेंस्ट ही रहोगे या वो आपको अपने अंगेंस्ट ही समझेंगे। ऐसे केस में जो मैंने प्रक्रिया बताई दीपक वाली और पतासे वाली, वो करने के बाद आपको वो प्रक्रिया रिपीट नहीं करनी है। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपने बस सिंपली करना है, धुनी जलाते रहना है और एक ही बात बार बार कहनी है उनका नाम लेके, कि अब आप ईश्वर के पास जाइए, अब यहाँ से आप ईश्वर की तरफ पलायन कीजिए, ईश्वर की शरण में जाइए ताकि आपकी मुक्ति हो सके। ऐसा आप बार बार धुनी जलाते वक्त करेंगे तो अपने आप उनके जो दुष्परिणाम हैं, जो नेगेटिविटी वो आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से अगर वो आपको बुरी तरह इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और वो आपको दंड देने का स्वरूप छोड़ के ईश्वर की तरफ जाने के स्वरूप में आ जाएंगे। उनके अंदर से वो नफरत गुस्सा निकल जाएगा और उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि यहाँ पड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इन्हें परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेटर हम ईश्वर के पास चले जाते हैं। तो आप सिंपली कोई सी भी धुनी ले सकते हैं, हालांकि सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा लीजिए और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड जलाते वक्त उनका नाम ज़रूर लीजिए, इनकेस आपको नाम नहीं पता अपने पितरों का, तब आप सिंपली कीजिए, कहिए मेरे जो पितर हैं, जो भी हैं मेरे पितर मेरे खानदान के, उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो ईश्वर की शरण में जाएं और अब यहाँ से वो पलायन करें ईश्वर के पास, ताकि उनकी मुक्ति हो सके। ऐसा कहते हुए पूरे घर में धुनी घुमा दीजिए और उनकी तस्वीर पे भी घुमा दीजिए। ऐसा आप सुबह शाम कर सकते हैं, आपको कमाल के फ़ायदे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानकारी मिलती रहे, यानी कि पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आपको धुनी चाहिए किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से निकालने के लिए, भूत प्रेत के संकट को उतारने के लिए,
तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए। आप 9625911182 पे कॉल भी कर सकते हैं, ये कॉलिंग नंबर है 9625911182। इसके अलावा एक लैंडलाइन नंबर भी है 01244219446। आपकी कोई परेशानी है तो ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। ये सब कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।